डेढ़ सौ रुपये का तुम लैके अगर बेचते हो कि लग रहा है कि डेढ़ सौ रुपये का जो मिल के लिया सही होगा? सर वो मिल्के कपड़े सारे महंगे सही है, उसमें चूजी और दूध है, हम मिल्के नहीं कहते उसको, हम तो केक कहते हैं। मेरा मेन काम है पतीसे का, पतीसे में मैं 18 साल से पतीसा बना रहा हूँ, राजधानी बेसन श्रीराम का मैंदा और उसकी खांड बढ़िया पतीसे रिफाइन का पतीसा बनाता हूँ, पतीसे मेरा नाम अच्छा है और मैं अच्छा काम करता हूँ और मेरे यहाँ पे माल बिक जाता है, चार पाँच बंदे उनका भी परिवार चल जाता है, मेरा भी परिवार चल जाता है। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪਤੀਸਾ ਭੰਡਾਰ ਬੇਦੀ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਹੈਗਾ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ 150 ਰੁਪਏ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਟੋਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਲੈਬ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, 2 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਖੋਆ ਬਰਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਹੁਣ ਮਿਲਕ ਕੇਕ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਨਾ ਸਕਣ ਮਿਠਾਈ ਨੂੰ। ਸਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਰਮਸ ਸੀਗੇ, ਨੇਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੀ ਲੈਬ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। राजपुरी तो मैं प्रॉपर जोधपुर से हूँ और मेरा ये पतीसे का काम है। 17-18 साल से मौके में मेरे छोटे भाई ने लगाया था और छोटे भाई की कोरोना के बाद अटैक से डेथ हो गई थी, उसके बाद 2-3 साल ये काम मेरे को संभालना पड़ रहा है और पहले मैं काम साथ में संभालता था, नॉलेज है मेरे को पतीसे का और मेरे पास पतीसे में 10-12 लड़के काम करते हैं, तो पतीसा 100% मेरे को लगता है कि मेरे जैसा पतीसा बनाते होंगे और मैं बढ़िया बना रहा हूँ। प्लस मेरी मिठाई की फैक्ट्री होते हुए आप मोहल्लेवासी से पूछ सकते हो, मेरे नज़दीक पत्रकार भाई से बात कर सकते हो, मैं पूरी मेरी सफाई रखता हूँ और अधिकारी कहेंगे वैसे मैं काम करूँगा, अधिकारियों के खिलाफ मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, ऐसे करूँ ऐसे करूँ नहीं करूँगा। करेंगे सर, इन्हों का गवर्नमेंट का रूल्स है, नियम है, करेंगे, ये वापस बताएंगे वैसे काम करूँगा मैं। साहब को मैंने आज सवेरे से लेकर पूछ लो, मैंने कोई वर्ड नहीं बोला, साहब आप अपनी कार्रवाई करो, जो चीज़ गलत है उसको अपन बाहर फेंकेंगे, सही है तो बाजार में सेल करेंगे, हम हमारी सोच से सही बना रहे हैं। बाकी ये लोग कहते हैं कि मज का दूध निकालो सैंपल पास नहीं होता है, ये सुना हुआ है, बाकी हमारा तो हर साल सैंपलिंग होता है, हर त्यौहार पे हमारी स्पेसिंग होती है, अधिकारी आते हैं मेरी फैक्ट्री चेक करते हैं, हम हमारे बाहर बैठ जाते हैं, पूछ लेते हैं भाई साहब पानी पियोगे, बोले नहीं पियेंगे, मेहरबानी साहब, नहीं तो अधिकारी से ज़्यादा बात करते हैं, नहीं अधिकारी से हम पूछते हैं कि हमारा कैसा लगा, और लास्ट में पूछते साहब मेरी सफाई, कहते भंवर सिंह ठीक है और ज़्यादा कर, और सफाई बढ़िया रख और माल बढ़िया बना, ये हमारे को हिदायत देते हैं, ये उसके हिसाब से चलता हूँ मैं, और जो अधिकारी साहब मेरे साहब बताएंगे वो काम मैं लाइन से करूँगा और गलत मैं नहीं कर रहा हूँ, और मिठाई पूछता हूँ, भगवान को प्रसाद चढ़ाता हूँ।
जी अजकल स्पैशल चैकिंग जी की जा रही है। मैनू परसनल तौर के उत्ते एक गुप्त सूचना मिली सी कि कुछ समान जो मिल्क केक है और मिठाई का समान है यह जोधपुर अबोहर तो इस स्थान के उत्ते पहुंचा। मैं निजी तौर के उत्ते सवेरे अर्ली मॉर्निंग जो मैं पता लग्या मैं नाल ही इतने पहुँच गया। पहुँचने तो बाद मैं जी फूड की टीम है साड़ी जी हर वे तैयार रही है उन्होंने ही मौके पर सद्या तो सारे जोड़ा ये श्री लक्ष्मी भंडार है जी जिथे पिस्ता वगैरह बनता है उनकी चैकिंग की चैकिंग चैकिंग दौरान जोधपुर तो बनी हुई 540 किलो जी मिल्क केक मिले और अबोहर तो बनया हुआ 852 किलो मिल्क केक मिले। टोटल सानू 1392 किलो मिल्क केक मिले जिहड़ा थोड़ा शकी जापदा क्योंकि इन्होंने कहने के मुताबिक 130 रुपये और 150 रुपये के रेट के हिसाब से इन्होंने खरीदया और खोया बर्फी जी 255 किलो पई हुई थी जी थोड़ी शकी जापी है। साढ़े फूड इंस्पैक्टर ने आके इतने सैंपल जड़े ने ले ले हैं और 4 सैंपल जड़े अज ही भेज दिए जाएंगे रिपोर्ट आने के बाकी कार्रवाई जी दिवाली त्यौहार सफाई वालों इंतजाम जिहड़े है ओह थोड़े तसल्ली बख्शी देखे है कोई ऐसी स्मैल नहीं आ रही और इन्हां वालों सफाई का ध्यान भी रखा जा रहा पर माइनर चीजा जिहड़ियां देखियां गईयां जिहदे विच जिहड़ी परसनल हाइजीन है जो बना रहे हैं वो इन्नी प्रॉपर नहीं सी उन्होंने समझाया गया कि ग्लव्स हर बंदे दे पाए होने चाहिए है और प्रॉपर ढंग नाल वो उनके साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए है फर्श से किसी तरह का भी कोई समान जो इस तरह का डुलिया या खिल रहा या कूड़ा नहीं होना चाहिए कि असी सारी चैकिंग की जिंदे सानू जोधपुर की और दूसरा सानू अबोहर की बनी मिठाई मिली है जिंदी टोटल जी जोधपुर की 540 किलो मिली है और अबोहर की 852 किलो है जी थोड़ी संघिंद लग रही है उनके सैंपल बकायदा ले लिए गए हैं और जरा समान है टोटल 1392 किलो जो मिल्क केक है उन्होंने सीज किया गया और वो जी सैंपलिंग की कार्रवाई अभी भेज दी जाएगी और इनका कल तक रिपोर्ट आने की पूरी उम्मीद है और इन जल्दी जो अगली कार्रवाई उस जाएगी। होर की उम्मीद है फिर इतने बनदियां की मिठाइया या बनवाई मंगवाइया जा स्टोर की इतने मिठाइया बन भी रही स्टोर भी की जा रही और मंगवाइया भी जा रही और इन्हें नाल ही असी एक जिहड़ा शाकी मिठाई साड़ी खोया बर्फी है वह भी सानू थोड़ा शाकी जापी है तो उनकी भी असी सैंपल लैके उन्होंने भी सीजर किया। सर कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि ऑन द स्पॉट ही कोई कैमिकल पा के चैक किया जाए कि मिठाई शाकी है ये कोई ना कोई कैमिकल है या इन्दे विच सानू इस तरह हैगा कि कई पैरामीटर होंगे है और ये पैरामीटर सारे फॉलो करने पैंदे है जो है तो सानू इन्हें टाइम लग जाता। सर होर की बरामद होया क्योंकि जितने अंदर मिठाइया बनदियां उत्थे तां जिहड़े ऑनर हैगे ने उह कहिंदे एंट्री नहीं हैगी उत्थे जान नहीं दिता जा सकता अंदर दे की हालात ने सफाई हैगी है या जिहड़े कर्मचारी इत्थे उन्हां दे मैडिकल होए हुए ने और पूरे नॉर्म जिहड़े पूरे करदे ने इन्हां नूं सफाई बारे इंस्ट्रक्शनां दित्तियां गईयां अगे भी इंस्ट्रक्शनां दित्तियां जांदियां और इह खास तौर पर किया गया कि जिहड़े कर्मचारी काम करदे आ उन्हां दे ग्लव्स वगैरह पाए होण और कैब वगैरह ली होवे नौ कट्टे होने चाहिए आ साफ सुथरे होने चाहिए आ काफ़ी हद तक जिहड़ियां सफाई दीआं नॉर्म्स ठीक है पर जिहड़ियां माइनर चीज़ा है उन्होंने समझाई भी गई हैं और क्या गया अगर तुम्हें फॉलो कर किस तरह की संदिग्ध लगती है सर किस तरह मिलावटी लगता है लग रहा है जो समान जी इन्हों के कहने के मुताबिक इन्होंने 130 रुपये किलो जो जोधपुर तो खरीदया जरा समान आया उनकी खरीद 130 रुपये किलो और जी अबोहर तो खरीदी गई 150 रुपये किलो इन्हों के कहने मुताबिक जिन्हों की बनी भी देखिया तो थोड़े शक्की हालात जाती है। तो सर जिमें एक कितों होर मिठाई खरीदी है तो इस तरह नहीं है कि थोड़ा चैक करन कि सही है कि गलत है या इदा ही सही कर देंगे देखो इन्हों के कहने मुताबिक जी मिठाई आती है अगे इदा ही सेल कर देंगे कुछ इस तरह के नॉर्म्स होंगे कि जो मिठाई इदा परचेज करता पहला चैकिंग कर ले कि मिठाई सही है गलत यह लैब तो टैसट करवा सकते हैं जी इतने बनती है उन्होंने लैब टैसट कराना चाहिए यह लैब तो टैसट जो मर्जी जो सा लैब है उन्होंने टैसट करवा सकते हैं।